हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइव विद रुनूज कॉर्नर पे। आज हम आपको जो मालपुआ बताने जा रहे हैं, बड़ा यूनिक मालपुआ है। ये कोहरे का मालपुआ है, इसे लाल कद्दू के नाम से भी जानते हैं, इसे पम्पकिन भी बुलाते हैं और बहुत आदमी जो है इसे कदीमा के नाम से भी जानते हैं। तो ये कदीमा का आज हम आपको मालपुआ बताने जा रहे हैं। ये जो है मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है, इसे हम रफली काट लेते हैं। आप जैसे भी जिस भी आकार में चाहें आप इसे मोटा मोटे टुकड़े में काट लीजिए और इसे आप अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। तो ये जो है आपको मार्केट में बहुत ही इजली अवेलेबल है। ये थोड़ा पका वाला यूज़ कीजिए तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अगर एक बार इसका मालपुए को अगर आप खाएंगी तो इसका जलेबी का इसे ऊपर से भी आप साफ कर लीजिए। जैसे इसका बीजा वजा है तो इसे आप हटा लीजिए और इसे साफ कर लीजिए, और नीचे से भी इसका जो है इसका छिलका बिल्कुल हटा दीजिए। और इस तरह से धो के हमने इसे छिलका हटा के साफ कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ऊपर से भी मैंने हटा दिया है इसका बीजा वगैरह, और नीचे से भी छिलका हटा के मैंने इसे साफ करके वॉश कर लिया है। अब हम इसे उबालेंगे। तो उबालने के लिए हम एक कुकर लेंगे और इसमें कदीमा को डालेंगे। और चूंकि ये बहुत जल्दी उबल जाता है, इसीलिए इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं, बस 1 कप पानी यूज़ करेंगे। और कुकर को हम बंद करके गैस पे चढ़ाएंगे। वो 1 सीटी लगने के बाद तो 3 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे ही रखेंगे। जब तक कोहरा उबल रहा है तब तक हम दूसरी तरफ चाशनी शुगर सिरप तैयार करेंगे। उसके लिए हमने 300 ग्राम शुगर लिया है। तो इसे हम एक पैन में डालेंगे और हम इसमें 2 कप पानी यूज़ करेंगे। देखिए, हमने इसमें 2 कप पानी डाल दिया है। अब इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक कि चीनी इस पानी के अंदर घुल ना जाए। बस देखिए, ये घुल चुका है, खोल चुका है। इसे हमको इतना ही तक पकाना है जितना हम गुलाब जामुन के लिए इसे तैयार करते हैं। इसे हमें बहुत गाढ़ा नहीं करना है। ये देखिए, ये लगभग तैयार हो चुका है। अब हम इसे, चूंकि चाशनी को साफ करने के लिए हम 2 चम्मच दूध यूज़ करेंगे। ये एक किचन टिप्स है। और इसका साइड देखिएगा, इसकी सारा गंदगी जो है इसको का ऊपर आ जाता है। तो इसे हम साइड साइड से एक कलछी से निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब देखिएगा कि ये चाशनी बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो इस तरह सारा गंदगी जो है ऊपर आ चुका है। अब हम इसे सारा निकाल लेंगे कलछी के सहायता से। देखिए, ये साफ हो चुका है। अब हम इसमें 2 इलायची डालेंगे जिसका मुंह हमने पहले से खोल रखा है। देखिए, चाशनी बिल्कुल तैयार है। तब जब तक चाशनी ठंडा हो रहा है तब तक हम लाल कद्दू को निकाल लेंगे। अब हम इसे मैश कर देंगे। अच्छी तरह से हम इसे मैश करेंगे। मैश करने के बाद हम एक बाउल लेंगे। बाउल में हम सारा कद्दू डाल देंगे इसमें इस तरह से। चूंकि हमने 1/2 kg कद्दू का यूज़ किया है तो इसमें हम 100 ग्राम मैदा यूज़ करेंगे। तो हम इसमें 100 ग्राम मैदा डाल देंगे और हम 50 ग्राम सूजी डालेंगे। और 2 चम्मच जो है हम इसमें देसी घी यूज़ करेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो इसीलिए हम इसमें देसी घी ज़रूर यूज़ करेंगे। अब हम इसे आपस में मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। इसे इसमें हम पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। इसे हम दूध से ही इसका बैटर तैयार करेंगे। तो दूध लगभग 1.5 बड़ा कप दूध लगेगा। आप अंदाजन थोड़ा ज़्यादा या कम इसमें दे सकते हैं। देख, जितना में इसका बैटर अच्छी तरह से मालपुए की तरह का बैटर तैयार हो जाए उतना हम इसमें दूध यूज़ करेंगे। देखिए, इस तरह का बैटर इसमें तैयार हो चुका है। तो हमने करीब 1/2 कप से 1.5 कप दूध यूज़ किया है इसके अंदर। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स के लिए हमने इसमें, आप अपने स्वादानुसार जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहे डाल सकते हैं। हम इसमें काजू डालेंगे, थोड़ा सा किशमिश डालेंगे, ये गरी जिसे हम सूखा नारियल होता है जिसे मैंने पहले से कट करके रखा है, ये थोड़ा सा बादाम कटा हुआ, ये बादाम, पिस्ता बादाम, इसे मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। और ये इलायची पाउडर जिसे मैंने पहले से क्रश करके रखा है। अब मैं इसे भी इसमें मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से। ड्राई फ्रूट्स जो है सो आप अपने स्वादानुसार ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको मनपसंद है वो ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हैं, इससे अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे।
अब देखिए, इस 10 से 15 मिनट हो चुका है, तो हमने कढ़ाई में तेल पहले से चढ़ा रखा है, हमने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। आप यदि चाहें तो देसी घी में भी इसे बना सकते हैं, देसी घी में ये काफ़ी टेस्टी बनता है। तो चलिए, अब हम एक कलछी की सहायता से इसमें डालेंगे, ताकि कलछी से डालने से हमको सुविधा होगा डालने में भी, और इक्वल साइज में बनेगा भी ये परफेक्ट। आप चाहे तो कप भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इसमें फ्लैट बेस वाला हम इसमें कढ़ाई यूज़ करेंगे, ताकि एक साथ 4-5 पोहा तैयार हो सके। आप चाहे तो नॉन स्टिक पैन भी यूज़ कर सकती हैं। देखिए, हमने 6 मालपुआ इसमें डाला है। अब हम इसे अच्छी तरह से पकने देंगे, हम इसे कच्चा में नहीं पलटेंगे। अगर इसे हम कच्चा में पलटेंगे तो क्या होता है कि ये टूटने का डर रहता है, इसलिए पेशेंसली हम इसे थोड़ा अच्छी तरह से पकने देंगे, तभी हम इसे पलटेंगे। देखिए, एक तरफ से पक चुका है, तो अब हम इसे पलट दिए हैं। सारे मालपुए को हम इसी तरह से पलट देंगे, क्योंकि सभी मालपुआ एक तरफ से पक चुका है। हमको दोनों तरफ जो है मालपुए को डार्क कलर में, डार्क ब्राउन करना है। देखिए, अब ये ब्राउन हो रहा है, लेकिन हमको दोनों साइड से ब्राउन करना है। तो इस तरह से हम पलट पलट के इसे ब्राउन होने तक पकाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी बन के तैयार हो। आप देख सकते हैं कि ये एक ब्राउन हो चुका है, दूसरी तरफ से भी ये ब्राउन हो रहा है। अब जो मालपुआ ब्राउन हो चुका है, उसे हम निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से ब्राउन हो रहा है। तो ये देखिए, ये मालपुआ जो है ये ब्राउन हो चुका है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल दोनों तरफ से क्रिस्पी हो चुका है, तो इसे हम निकाल लिए हैं। इसी तरह से हम सारे पुआ को दोनों तरफ से ब्राउन करेंगे और एक एक करके निकाल लेंगे। देखिए, एक तरफ से बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, दूसरी तरफ से भी हम इसे अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ब्राउन इसका कलर बहुत ही फाइन आया है, मैंने सारे पुआ को निकाल लिया है। अब देखिए, अभी मैं से मालपुआ बनाई हूँ, इसमें करीब 15 से 16 बनेंगे मालपुए। ये देखिए, बैटर धीरे धीरे गाढ़ा होते रहता है, तो इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल के बैटर को अच्छी तरह से उसी लेवल बना के रखेंगे, उस तरह जिस तरह का मालपुआ का बैटर हमको चाहिए। तो गाढ़ा नहीं होने देंगे, थोड़ा सा इसे पतला बना बना के रखेंगे। देखिए, इस तरह से आप इसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिला दीजिए, यदि आपको लगे कि बैटर गाढ़ा हो चुका है तो। तो चलिए, अब इस तरह से मालपुआ बन के तैयार है, इसे हम बाद में बनाएंगे। हमने अभी 6 बनाया है। अब हम इसे चाशनी में डुबोएंगे, तो चाशनी जो है वो ठंडा ही यूज़ करना है। चाशनी ठंडा हो चुका है, लेकिन मालपुआ गर्म होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसमें चिमटी की सहायता से इसे डुबाएंगे, डीप करेंगे, और निकाल के सारा पुआ को हम इस तरह प्लेटिंग करेंगे। और देखिए, ऊपर से हम पिस्ता बादाम से इसे गार्निशिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही लाजवाब पुआ बना है। आप इसे खाएंगे तो और लाजवाब लगेगा, ये बिल्कुल जलेबी की तरह लगेगा। ये अंदर तक इसका सिरप जो है एब्जॉर्ब कर लिया है। हमें उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।